हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। तुम सोच रहे होंगे कि दी तो हमेशा मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करती है, कहती है कि हार मत मानो, अभी भी नीट क्रैक हो सकता है। तो आज की वीडियो में ये डीमोटिवेटिंग थॉट क्यों कि नीट क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। बच्चों, नीट देने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 17 टू 22 वाले एज ग्रुप में आते हैं और ये 17 से 22 साल के एज ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप है, जब तुम्हारे इमोशन सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। वो व्हाट्सएप से मूड ऑफ होने पर डीपी गायब कर देना या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में डू नॉट डिस्टर्ब लिखना, ये तुमने जिंदगी में एक ना एक बार जरूर किया होगा ना। ये 17 से 22 साल वाली जो एज ग्रुप है ना बच्चे, ये सबसे ज्यादा इमोशंस में डगमगाई एज ग्रुप तो है, लेकिन ये वो एज ग्रुप भी है जहां पर तुमने शिद्दत से किसी चीज के लिए काम करना सीखा होगा। दोस्ती निभाई है तो शिद्दत के साथ निभाई है तुमने, अगर किसी गोल के लिए सीरियस हुए हैं तो शिद्दत के साथ हुए हैं। तुम 17 से 22 के एज ग्रुप वाले बच्चे अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो, तभी तो मार्केट में नीट जेई कोचिंग इतनी ज्यादा फ्लैरिश हो रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस टाइम तुम्हारे लिए तुम्हारा नीट क्रैक करना जेई क्रैक करने से इंपॉर्टेंट शायद कुछ भी नहीं। मैं अपनी हर वीडियो में तुम्हें कहती हूँ कि जब तक तुम नीट का पेपर नहीं देकर आए, जब तक तुम्हारा एग्जामिनेशन डे नहीं आ गया, तुम्हारे हाथ में वो क्वेश्चन पेपर नहीं आ गया, तब तक उम्मीद है कि तुम इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तब तक उम्मीद है कि तुम अपना स्कोर कार्ड में स्कोर बढ़ाने पर वर्क कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी जिंदगी में आप कोई भी काम करने की शुरुआत करोगे, उस काम में आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहेगी। कभी कोई फैक्ट नहीं बनेगा कि आज मैंने ये चीज करनी शुरू करी है तो मैं इसमें सक्सेस पाऊंगा ही पाऊंगा। हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि मुझे सक्सेस मिल भी सकती है या फिर हो सकता है कि मुझे वापस से एफर्ट्स पुट करने पड़े। उसी तरीके से बच्चे, चाहे कोई नीट 2023 प्रिपरेशन के लिए पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा था या फिर कोई बच्चा अभी 2 महीने पहले उसको रियलाइज हुआ है कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, इन दोनों कैटेगरीज के बच्चों में से हो सकता है किसी भी बच्चे को सक्सेस ना मिले, हो सकता है एक बच्चे को सक्सेस मिले एक को ना मिले, हो सकता है दोनों को सक्सेस मिल जाए। जब भी तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में होपलेस सिचुएशन आ गई है, कोई भी सिचुएशन होपलेस नहीं होती है, उस होपलेस सिचुएशन में भी एक रे ऑफ होप होगी और तुमने अगर वो उम्मीद की एक रे पकड़ ली ना तो तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उम्मीद होगी कि तुम्हारे एफर्ट्स अभी भी तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जा सकते हैं। आज के वीडियो का टाइटल कि अगर नीट क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मैंने इसलिए रखा है बच्चे कि मानती हूँ तुम नीट जेई प्रिपरेशन को दिल से लगाकर बैठ गए हो, लेकिन एक चीज भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे कि इंस्पाइट ऑफ पुटिंग 100% एफर्ट, हो सकता है किसी आउटर सर्कमस्टांस की वजह से हम लोग वो 100% एफर्ट एग्जाम डे में पुट ना कर पाए। कई बार तुमने देखा होगा जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं तो कई वो सुसाइड वाले या फिर बहुत सारी ऐसी डिप्रेसिंग न्यूज आती हैं, जिसकी वजह से फिर डर लगता है, पेरेंट्स को डर लगता है कि क्या नीट जेई वाले सर्कल में मेरे बच्चे को भेजना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। एस्पिरेंट्स को डर लगता है कि क्या साइंस स्ट्रीम लेकर नीट जेई प्रिपरेशन करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इसीलिए एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले मैं बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि अभी भी उम्मीद है कि तुम्हारा नीट 2023 क्रैक हो सकता है। डिसिप्लिन वे में पढ़ो, तुम अभी भी अपना टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग में एक थॉट ये भी फीड कर लो बच्चों, इन केस नीट क्रैक नहीं हो पाया तो इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में ये अटेम्प्ट अभी इसलिए क्रैक नहीं हुआ हो क्योंकि अगले अटेम्प्ट में या फिर किसी और फील्ड में तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर लिखा हो। CUET 2023 के फॉर्म्स पे रिलीज हो गए हैं। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किन कोर्सेज के लिए आप ये एग्जाम दे सकते हैं, इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को कैसे फिल करना है, इनसे रिलेटेड वीडियोज मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप में से कोई भी बच्चा जो नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है, वो एज अ स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लीज इस साल CUET का पेपर भी जरूर दे। मैं ये नहीं कह रही तुम्हारा नीट नहीं होगा इसलिए तुम CUET दे रहे हो, हम समझदारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए एज अ स्ट्रॉन्ग बैकअप CUET के एग्जाम को भी रखेंगे और उन फॉर्म्स को भी फिल करेंगे। तुम लोग, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी मेंटल हेल्थ की मुझे फिक्र है, बस इसलिए मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। नीट 2023 के लिए जमकर मेहनत करो, इन 2 महीने में भी एग्जाम क्रैक हो सकता है। बस स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन वे में पढ़ना आना चाहिए, अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, खुद पर भरोसे करने की जरूरत है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि क्रैक हो सकता है। अगर नहीं क्रैक हुआ तो एक बैकअप रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सोच समझ के मुझे बताना एक क्या रीजन है जो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस साल नीट क्रैक नहीं हो पाएगा। वो क्या थॉट है जो बार बार तुम्हें परेशान करता है और तुम्हें ये मजबूर करता है सोचने पर कि यार तेरा इस साल नीट क्रैक नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो थॉट लिखो और उसी थॉट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक ऐसा थॉट लिखो जो उस थॉट को मार डाले, उस थॉट की बेइज्जती कर डाले, उस थॉट को खत्म कर डाले, वो थॉट लिखो। से फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मेरा नीट क्रैक नहीं हो सकता है। फुल स्टॉप, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखो कल से अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना मैं बंद करूंगी और इस साल में नीट क्रैक करके बताऊंगी। उसी तरीके से आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए क्या वो रीजन है जो बार बार आपके दिमाग में आता है और आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हो सकता है। और उस थॉट को खत्म करने के लिए उसका ऑपोजिट थॉट लिखो, उसका सोल्यूशन लिखो कि तुम ऐसा क्या करोगी कि वो थॉट अगर वैनिश नहीं हो सकता तो कम से कम कम तो हो जाए, उसकी पार अगर कम हो गई तो तुम्हारी मेहनत की पार अल्टीमेटली ऊपर बढ़ जाएगी। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो दैट वन नेगेटिव थॉट जो तुम्हें परेशान कर रहा है, और उस नेगेटिव थॉट को मार डालो और एक पॉजिटिव थॉट से फिल कर डालो कि ये मैं करके बताऊंगा, ताकि इस नेगेटिविटी का एंड हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।